मध्य प्रदेश के अशोकनगर पुलिस भले ही अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी दिन दहाड़े सामूहिक रूप से जुआ खेला जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो जैसे पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 40,000 रुपये बरामद किए। सोशल मीडिया पर सामूहिक जुए का एक वीडियो अशोकनगर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये वीडियो ग्राम भैंसरवास का बताया जा रहा है। अशोकनगर के तमाम जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की है। इस मामले को पुलिस ने भी तत्काल गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने बताया कि रविवार को जैसे ही जुए का ये मामला संज्ञान में आया तो टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से 13 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा गया है, साथ ही उनके कब्जे से तकरीबन 40,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि IPL पर लगने वाले सट्टे और जुए को रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई करने की बात कही है। देखा गया किसी ने उसको शेयर किया था, तो जब मुझे भी ज्ञात हुआ तो मैं तत्काल निश्चित किया था थाना प्रभारी और एक दो थाने का बल लेके कि वहाँ पर जाएँ। थोड़ा सा वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है, जंगली एरिया में, जहाँ पे कि कठिन रहता जाना, लेकिन तो भी पुलिस वहाँ गई और उसमें 13 आदमी को वहाँ पकड़ा गया मौके पर, और उससे लगभग 40,000 के आसपास रकम भी बरामद हुई है। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, कार्रवाई की गई। सर, ये भैंसरवास का मामला है? हाँ, भैंसरवास के आसपास का एरिया है। सर, अभी IPL स्टार्ट हो रहा है, इस तरह के और मामले आएंगे, सेशन का मामला आएगा, तो पुलिस ने कुछ एक्शन प्लान वगैरह तैयार किया है जुआ वगैरह पकड़ने में या सट्टा पकड़ने? जुआ के लगातार सभी थाना पहाड़ियों में निश्चित किया गया है, तो जहाँ सूचना मिलती है कार्रवाई करें, क्षेत्र में जुआ नहीं चलना चाहिए कहीं पर। और होली वाले के अवसर पर थोड़ा सा रंगपंचमी के अवसर पर लोग प्रयास करते हैं ज़्यादा जुआ खेलने का, उस पर जो है पूरी निगाह पुलिस रखे और कार्रवाई करे, निर्देश दिए गए। अभी कल बड़ी कार्रवाई हुई है और भी लगातार कार्रवाई की जाएगी जहाँ भी इस प्रकार सूचना मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं जुए टांग वगैरह की, तितली वगैरह? ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पर सूचना आती है तो वहाँ पर पुलिस भेजते हैं। थोड़ा जंगली एरिया रहता है, इस प्रकार ये रहता है, तो पुलिस कम, पुलिस में फोर्स जा नहीं पाती, वहाँ पर अधिक फोर्स भेजना पड़ता है, लेकिन हम कार्रवाई कराएंगे, अधिक फोर्स 2-3 थाने का फोर्स भेज कर कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल पुलिस औचक कार्रवाई से जहां अवैध गतिविधियों में लिप्त बदमाशों में खलबली मच गई है, वहीं पुलिस अब आगे भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। अशोकनगर से सुशील कुशवाहा की रिपोर्ट।